हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी एंड अदर भर्तियों को लेकर क्या अपडेट है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। किसी भर्ती की सूचना देने के लिए, धरने की सूचना देने के लिए आप मुझसे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए पहले इसे देख लेते हैं। अब प्रयोगशाला सहायकों की भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। देखिए चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रयोगशाला सहायक के पद पर भर्ती अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। चयनित हुए अभ्यर्थियों को तैनाती के साथ ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसे आप पूरी तरह टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रयोगशाला सहायक सेवा नियमावली 1998 में संशोधन को कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है, इसको देख लीजिएगा। विषय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षणेतर कर्मचारियों के सृजित कार्यरत रिक्त की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, इसको देख लेते हैं। सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान, सेना में 4 साल की नौकरी खत्म होने के बाद युवाओं को मौका देगा यूपी। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि अग्निपथ योजना के तहत सेवा के 4 साल बाद यूपी सरकार पुलिस और अन्य संबंधित सेवाओं में प्राथमिकता देगी। तो इसे आप पूरी तरह टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सीएम योगी ने अग्निपथ योजना का किया स्वागत। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।